कांग्रेस ने झूठा एलिगेशन लगाया था और सर्वोच्च अदालत के फैसले से ये साबित हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले सर्वोच्च अदालत का फैसला का हम स्वागत करते हैं और सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सिद्ध हुआ है कि झूठ के पांव नहीं होते और विजय हमेशा सत्य का होता है। सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जानबूझकर झूठ फैलाया गया था और लेकिन झूठ की उम्र बहुत ही नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह साबित हुआ है कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं थी और उच्चतम न्यायालय का फैसला निर्णायक है और सौदे के बारे में किसी संदेह की गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को लेकर चार अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें मुख्यतः तीन विषयों, निर्णय की प्रक्रिया, डील की कीमत और ऑफसेट पार्टनर के चुनाव पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट फैसला दिया है कि इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। आज़ादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह किया गया था। गुमराह करने का प्रयास भी बहुत तेजी से हुआ। इस भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि इस दुष्प्रयास देश की बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस और उनके अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया था। जब कांग्रेस सभी तरह से बाधाएं खड़ी करते करते थक गई तब राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के नाम पर नई फिक्शन स्टोरी बनाने लगी और राफेल पर सरकार द्वारा दिए गए सभी आंकड़े सही जबकि राहुल गांधी द्वारा दिए गए आंकड़े गलत साबित हुए हैं। सच की सिर्फ एक आवाज होती है और झूठ के कई मुंह होते हैं। राहुल गांधी ने हर जगह झूठ बोला है और वह झूठ जनता के सामने बेनकाब भी हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के तत्कालीन फायदे के लिए झूठ का सहारा लिया था और एक नई राजनीति की शुरुआत झूठ की राजनीति उन्होंने प्रस्तापित की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज का फैसला झूठे आरोप लगाने के राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा लगाया है। झूठ अपने निर्माता की विश्वसनीयता को काम करता है। दुनिया भर के लोकतंत्रों में ऐसी परंपरा रही है कि नेता अपने झूठ पकड़े जाने पर अपना पद छोड़ देता है। राहुल गांधी को भी अपना जानबूझकर झूठ की राजनीति करने के लिए अब जनता के सामने वो खुला हो गया, इसलिए उनको भी पद छोड़ देना चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने और जनता को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी, देश की जनता की और सेना की भी माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पर हम सीधा सवाल करते हैं कि राफेल मुद्दे पर जितना झूठ देश की जनता के सामने बोला उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देश की जनता जानना चाहती है। दूसरा, 2007 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने डील की प्रक्रिया को फाइनल करने की शुरुआत की थी। 2007 से 2014 तक 7 साल राफेल डील क्यों सोनिया मनमोहन सरकार ने फाइनल नहीं कर पाई? क्या इसमें कमीशन का अमाउंट तय होना बाकी था या फिर दलालों की भूमिका निर्धारित करनी थी? तीसरा, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकारों ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं किया और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर नहीं सके, इसका कारण भी जनता को साफ साफ बताए।
2007 से 2014 तक देश की रक्षा के जरूरतों संबंधित सभी मामलों को लटकाकर कांग्रेस की सोनिया मनमोहन सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। एयरक्राफ्ट लेट होने के जिम्मेदार कौन है और राहुल गांधी को इस देश की जनता को बताना चाहिए। जब सभी चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर चोर बोलने लगे तो जनता कभी नहीं मानेगी कि चौकीदार चोर है। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से आज सिद्ध हो गया है कि चोर चोर की बोली वही लोग करते थे जिनको चौकीदार का भय था। कांग्रेस पार्टी एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है जिसमें सच और न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल भी कांग्रेस ही खड़ी करती है, वकील भी वही है, न्यायाधीश भी वही है और कांग्रेस पार्टी की तरह देश नहीं चल सकता। आज कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी के पास तथ्य थे तो फिर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जाने से कौन रोक रहा था? कांग्रेस ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वह झूठ की बुनियाद पर केवल आरोप की ही राजनीति कर रहे हैं। राफेल मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। हम कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे सदन में इस मुद्दे की चर्चा करें और सदन में चर्चा होगी तो देश की जनता को भी मालूम पड़ेगा आखिर कांग्रेस पार्टी चर्चा से क्यों भाग रही है और राफेल पर झूठ फैलाने वाले संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राफेल में रोड़े अटकाने वाले की हार हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड की डिटेल जांच कर खरीद प्रक्रिया को चुनौती देने वाली मांगों को ठुकराते हुए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही मानते हुए संतुष्ट व्यक्त किया है। तो राफेल के बारे में जो सच या झूठ सबके सामने आ गया है, मैं भी पहले राज्यसभा में था, उस वक्त यूपीए की सरकार पार्ट टू और उसमें जितने स्कैंडल हुए हम लोग संसद में बोल बोल कर थक जाते थे कि स्पेक्ट्रम की जांच होनी चाहिए, कोयला खरीदी की जांच होनी चाहिए, ये हेलीकॉप्टर की खरीदी की जांच होनी चाहिए, लेकिन सुनते ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने फैसला दिया और फिर बाद में जांच हुई, फिर बाद में ये राजा को लेकर कई मंत्रियों को उसमें जेल में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब किया और भारत के इतिहास में अब सुप्रीम कोर्ट ने वो बताया है कि एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कुछ गलत नहीं हुआ है और क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये भी इतिहास अपने सामने खड़ा है। तो भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों से मेरी विनती है कि ये बात देश की जनता के सामने रख दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से 5 साल में काम किया है, कोई घपला, कोई घोटाला, कोई कोभांड हमारी सरकार ने नहीं किया है। और पहले यूपीए की सरकार में कितने कोभांड होते थे, हर रोज नया नया कोभांड आता था। तो ये छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने जो झूठे नारे, झूठी बाजी, झूठा सब कुछ बताया राफेल के बारे में, अब सच का सच सामने आ गया है, उसको आप उजागर करेंगे, ऐसी मेरी विनती है।